हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो अभी वीडियो डाल रही हूँ मैं, बहुत दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं डल पाई। और आज की वीडियो में आपको गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। वो आप गैस कर ही लोगे मे बी कि क्या गुड न्यूज़ और क्या आप बैड न्यूज़ नहीं गैस कर पाओगे, लेकिन गुड न्यूज़ गैस कर लोगे। और कुछ लोग मुझसे वो पूछ रहे थे कि कहाँ आपके इतने पैसों का नुकसान कहाँ हुआ। अगर मैं बता सकती तो मैं बता देती, लेकिन अभी एक बार ही मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊंगी। अभी मम्मी का फ़ोन आ गया था हमारे घर से, ना बादाम ही चोरी हो गए, पता नहीं कौन ले गया चोरी करने, क्योंकि मम्मी ने काम वाम सा करवाया था कुछ दिन पहले, तो ना काफ़ी सारे मेरा भाई अपनी सैलरी में से ना बादाम लेके आया था, और वो सारे बादाम वो कबूतरों को खिलाता है। हम तो उस पर इतना गुस्सा करते थे कि भाई तू बादाम कबूतरों को खिलाता है तो हमें नहीं नसीब होते बादाम खाने, हमें भी दे दिया कर थोड़े बहुत, इतने इतने बादाम कबूतरों को पीस पीस के खिला देता है, तो उनको पीस के पाउडर बना देगा और जो दाना होता है उनको उसमें मिक्स करके उनको खिलाता है कबूतरों को। तो मैं समा उसको डांटती रहती हूँ, लड़ती रहती हूँ। और अब उसके बादाम आज वो देख रहा कि मेरे बादाम कहाँ गए, तो और मम्मी ने भी नहीं देखा कि कौन ले अभी ले गई है वो या कैसे, तो सारे बादाम है जो चोरी हो गए। तो वो मम्मी अभी मुझे बता रही फ़ोन करके, कहती बादाम सारे चोरी हो गए। मैं कहा चल अब क्या कर सकते हैं, वो और ले आएगा और अब यही कर सकते हैं भैया। वो किसी को ये तो बोल नहीं सकते भाई तुम क्यों लेके गई, तो अपनी अपनी है क्या कहते कमी है कि ध्यान रखना था। मैं भी इधर आ गई थी सुबह सफाई करके, और मम्मी भी अपने काम वाम में लगी रही आज, और पता ही नहीं कभी ये कांड हो गया था तो बादामों वाला। और प्रियांश भी मेरे पास था, वहाँ पे अकेले थे मैं, हम ना उनको क्या ही बताएं, हम उनको उसको ना प्रियांश के पास छोड़ के चले गए थे भी, चलो थोड़ा हमने जो ट्रस्ट करके छोड़ा था भी, चलो कोई बात नहीं भी ये कौन सा चीज़ निकाल लेगी। मैं और मम्मी हम चले गए थे प्लॉट वगैरह का जो वो देखने चले गए थे, ज़रूरी जाना था काम, हम वहाँ चले गए थे पीछे से बादाम चोरी, तो चलो जो होना था वो हो गया, वो क्या ही कर सकते हैं ना। तो मैं अभी आई थी घर, वहाँ पे पहले काम के ऊपर का रूम साफ़ करने वाला था, वो सारी साफ़ सफाई मैं करके आई, उसके बाद मैं अपने घर आई, यहाँ पे आगे देखा बारिश से बुरा हाल। अभी आपको मैं बताऊँ, बारिश हुई रात को तो आज बहुत ज़्यादा कीचड़ था, बहुत ज़्यादा गंद था ऊपर, तो पहले मैंने ऊपर सारी साफ़ सफाई करी, सारा कुछ मतलब क्लीन करा, और उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर आई और घर आके देखा तो मेरे घर में इतना खलारा। फिर मम्मी ने फ़ोन करके बताया, मम्मी कहते तू साफ़ सफाई इतनी करके गई आज, इतना साफ़ सुंदर, इतना साफ़ सुथरा, इतना मतलब बता नहीं सकती मैं, इतना सुंदर लग रहा था ऊपर का पोर्शन सारा सफाई होने के बाद, और बारिश ने आके फिर से मम्मी कहते वही सत्यानाश कर दिया, उतना ही खिलारा मच गया। मैंने कहा चल कोई नहीं, अब जो होना था हो गया। यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी बारिश से बुरा हाल, यहाँ पे भी आ गई, फिर मैंने धोया बाहर से और फिर मैंने पोछा वोछा लगाया जब सूख गया, लेकिन अभी फिर से बारिश हो रही है, फिर वही हाल हो गया। आज तो बारिश ही हो रही है, बार बार बारिश होने लग जाती है। मैंने दो बार यहाँ पर पोछा लगाया तब जाके यहाँ से साफ़ हुआ, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था फर्श। और अभी सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं जब बारिश हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे रहता है कि नहीं यार घर साफ़ दिखे, घर साफ़ दिखे। और आपको बताऊँ सफाई करने के बाद एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना घर को साफ देख के, तो बहुत खुशी होती है। आप भी मुझे बताना कि जब आप पहले तो आप ये सोचते रहे हो यार क्या करें, उठा नहीं जा रहा, काम कैसे करें, जब एक बार लग जाते हो तो फिर सारा ही निबेड़ देते हो, और बाद में एक वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, घर एकदम साफ़ साफ़ एकदम फ्रेश घर लगने लग जाता है। तो ऐसा भी आपके साथ भी होता है क्या, मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। तो सब्जी नहीं थी कोई घर पे, तो मैंने कहा दालें दूलें पड़ी हैं, और प्रियांश से पूछा, प्रियांश कहता मैं दाल तो खाता नहीं, तरी वाली खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो चने पड़े हैं, ये मैंने यूज़ ही नहीं करे जब से मंगाए, तो ये ख़राब ही हो जाने पड़े, तो मैंने कहा अभी इनको यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, दो तीन बार यही बना लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने थोड़े से चने हैं जो इसमें लेके ना मतलब धो के और भिगो के रख दिए, तो रात भर भीगे रहेंगे, फिर कल सुबह मैं इनको बनाऊंगी। आज तो मैं जो मतलब आज जो खाना वाना बनाया था मैंने, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, तो मैं मम्मी के घर से सब्ज़ी ले आती जब मैं नहीं बनाती, तो आज मैं बनाया, मैं कहा मम्मी मैं बना लेती हूँ खाना, फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो फिर रोटी तो बनाई नहीं अभी, मम्मी कहती थी रोटी तो हम बना लेंगे, फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी थी उसमें को डब्बी में डाल के तो मैं मम्मी के लिए दी आई थी कि
चलो मम्मी भी खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे तो, क्योंकि मैंने सब्जी थोड़ी सी बनाई थी, ज्यादा बनाई नहीं थी, हम दो ही लोग हैं ना इसलिए। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, प्रियांश क्या बोल रहा है, बोली बोला वा मैंने बस ये कहा था कि उनको वैसे थोड़ा बहुत ना वो बूढ़े हो चुके हैं वैसे भी। मम्मी की कोई बात कर रहा था बाद में, कहता तेरी माँ ही है वो, तेरी माँ ही ऐसी है, कहता ऐसे करता है, फिर कहता वो तो बूढ़ी हो गई अब मम्मी। तो अभी ये देखिए मैं बिस्किट लेते हैं, ये नमकीन बिस्किट है जीरे वाले, मीठे नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं एक दो ही खाऊंगी, वैसे डब्बी में इतने रखे। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी मैं अपना फ़ोन पता करा है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा कि 10 मिनट तक आ जाना, मैंने कहा चलो 10 मिनट तक मैं सब्ज़ी वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है, अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, चने भिगो के रखे हैं वो अभी कल सुबह ही बन पाएंगे, तो उनको मैं कल सुबह बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, सब्जी लेके आके बनाती हूँ, कुछ देखती हूँ क्या मिलता है। प्रिया आज पता क्या हुआ, प्रियांश बताएगा, इधर इधर इस मेरे को पहले इधर पहले इस वाले इसको कहा कि बाथरूम से बंद कर दिया, फिर बाद क्या बाल किया है इसने, कहा वो ऊपर क्या किया इसने, बाहर से लॉक कर दिया इसने, जैसे मम्मा ने इसने मैं ना ये ना बाथरूम में नहा रहा, और मैंने इसको लॉक करके बाहर बाहर चली गई, बाहर बारिश होने लग गई थी, तो मैं बाहर खड़ी हो गई, युग के साथ बातें करने लगी है, तो जब मैं अंदर आई तो ये मैंने कहा चीनू नहा लिया, क्यों तो मैं कितनी देर से दरवाजे पीट रहा हूँ, मम्मा कहाँ है, मगर शुक्र मना मैं सब्जी लेने पहले ही नहीं चली गई, मैं एक बार अंदर वापिस आ गई, युग आ गया था तो युग के साथ मैं वापिस आ गई। प्रियांश का कवर देखो फोन का, मेरा वाला फोन तो हमें मिला नहीं। हाँ हाँ प्रियांश ऐसे दिखा पास में से, ये देखो ये ना ऐसे पैडिंग वाला मुझे बहुत पसंद आता है, 100 रुपए में मिल गया, जो मम्मा का कवर है वो 150 में, 150 का मिला ये, हाँ 200 बोल रहे थे, 150 का दिया, क्योंकि मेरा कौन सा है मैं आपको दिखाती हूँ फ्लैश बंद करके। सो अभी आप देखो मेरा कवर ये है, दिखा सो मेरा ये कवर है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, यही एक सही सा लगा मुझे, और इसका ये चीज मेटल है, पूरी है फ्रेम है जो मेटल का, इसलिए इसका थोड़ा प्राइस 50 रुपए ज्यादा लगा दिए, पर मेरा तो फिर भी रबर का है, अच्छा है तेरा तो, और ये तो टूटेगा भी अच्छे से, गिरेगा तो फोन टूटेगा भी नहीं, स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रैच आएगा बस। मतलब मेरा फोन खराब हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा अब, सच आपको एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज दोनों है, गैस करो गुड न्यूज बैड न्यूज क्या होगी, बैड न्यूज तो बता देते, पहले गुड न्यूज बता, पहले बैड न्यूज बताते हैं, हाँ। कि हमारा फोन ठीक नहीं होना, वो अभी फिर भी भेजा है सर्विस सेंटर, होप सो अगर हो गया तुक्का लग के, वरना वो फोन अब ठीक नहीं होगा, वो इस हद तक खत्म हो चुका है, उसका मदरबोर्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या सड़ गया है, तो वो अभी उसका जो मदरबोर्ड सबसे जरूरी पार्ट होता है उसका, तो सारा वो खराब हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा अब। और गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये हमारा चैनल पंजाबी यूट्यूबर पंजाबी क्वीन कंचन वाला, प्रियांश के सपने आप उसका नाम, प्रियांश के सपने वाला चैनल वापस, तो मेरे प्रियांश के सपने का प्रियांश का चैनल वापस मिल गया है हमें, अभी हमारे पास है 3 दिन, हमें $5 करने हैं 3 दिनों में, तो चक दे फटे। तो गाइज अभी होगी यार रात, हमने सोचा चलो अभी इस व्लॉग को हम एंड कर देते हैं, आज का दिन तो बड़ा ही पता नहीं कैसा सा दिन था, आज समझ में नहीं आया, आज अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, मीडियम डे था, मीडियम हाथ मत मरो, मीडियम डे था आज, मीडियम डे पता है मेरा ये हाथ बहुत ज्यादा दुखता है, मीडियम डे था आज, मीडियम डे था ठीक है, मीडियम मतलब दोनों चीजें हुई, अच्छा बुरा, बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ। और अभी एक चीज और वो क्या बता रही थी मैंने, चल छोड़ बात बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ आज हुआ क्या, आज पहले सुबह हम इधर आए, फिर वहाँ पे हमने कहीं जाना था, पेमेंट देनी थी, तो मैं और मम्मी फिर वहाँ गए ठीक है, पैसे देने थे प्लॉट वगैरह उनके, तो उसके बाद फिर हम वापस आए ठीक है, फिर वापस आके मम्मी के घर, फिर मम्मी घर से प्रियांश को लेके फिर वापस अपने घर, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह लेने के, बारिश इतनी होने लगी रास्ते में भीग गए हम फिर वापस आए घर, उसके बाद फिर मोबाइल वाले का फोन आ गया, फिर मोबाइल लेने गए, फिर बारिश में भीग गए, फिर वापस आए, उसके बाद फिर मम्मी का फोन आ गया कि भी सब्जी सब्जी के बारे में, तो मैं क्या मम्मी मैं सब्जी बना रही हूँ मैं लेके आऊंगी ठीक है आपके लिए, आप भी टेस्ट कर लेना, तो मम्मी कहती ठीक है अभी मैं नहीं बना रही फिर सब्जी कुछ,
तो मैं उनके लिए फिर मैं सब्जी बनाई, फिर मैं उनको फिर सब्जी देने गए, फिर बारिश में भीग गए। आज तो प्रयाग शपथ तीनों टाइम बारिश में भीग गया। आज तो हम तीनों टाइम बारिश में अंधेरे में लेटा हुआ है। ऐसे क्यों लगी जा रहा है? ऐसे तो काला नहीं है, फोन में लगी जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये क्या है? मेरे के नहीं है, मेरे के नहीं है, मेरे के नहीं है। तुझे पता कृष्ण जी सांवले रंगते थे ना, सांवले लड़के सुंदर होते हैं, गोरे गोरे लड़के बेकार से होते हैं। मुझे जुम्मन ही अच्छे लगते गोरे गोरे लड़के। अच्छा अच्छा, गोरे लड़के दिल के वो चोर होते, क्या होते हैं वो, माड़े काले दिल वाले होते हैं। जहाँ तू गोरे बच्चे जैसे तू, मैं तू ना क्या करते आप क्या के बेइज्जती करनी है? मैं गोरी नहीं हूँ, मैं भी काली हूँ, सांवली हूँ। आप गोरे हो, कृष्ण के नहीं है। मैं तेरी यशोदा बा, यशोदा बा हूँ मैं तेरी, क्या पता, पता नहीं कौन सी बा हूँ। हाय राम, हम सो जाए जिन्हों, तो रोटी खानी और नो बाबू, तेरे दो ही रोटी मसा खाई, दो भी नहीं खाई तूने, दो में से भी आधी मैंने खाई। मेरे को मन नहीं कर रहा, बस मेरा पेट दर्द कर जाता है। आज मेरा एक नाखून टूट गया, पूछो मत, चिन्नू को पता है, अभी भी आधा चिपका हुआ है इसके ऊपर, ऐसे दिखेगा नहीं आपको, ये देखो आधा चिपका हुआ है, उतर नहीं रहा नाखून, जान निकल गई मेरी आज तो इस नाखून के पीछे। मैं आटा गूंथ रही थी ऐसे, इधर का हाथ तो वैसे ही दुखता है मेरा, बहुत ज़्यादा पेन होता है। मम्मी कह रही है कि तुझे ना एक है कोई फिरोजपुर में, मेरी भाभी ने बताया था उनके वहाँ है, तो मेरी भाभी ने भी अपनी उंगली दिखाई थी, तो मेरी ये पूरा हाथ मेरा दुखता है, मैं इससे कोई काम नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन मैं बस पेन को जर लेती हूँ, जैसे तैसे बर्दाश्त करे जा रही हूँ। तो फिर मेरी भाभी ने बोला कि वहाँ पे जाके भी गारंटी है कि बिल्कुल हाथ ठीक हो जाए, मेरी टेढ़ी हो गई थी उंगली, वो भी सीधी हो गई है। तो फिर मैंने कहा हाथ ऐसा है, काम कैसे करती है पता नहीं है, कर ही आ रही बेटा, तो करना ही पड़ता है काम। इसने हाथ, और मेरी चीखी निकल गई एकदम से, मैं गाई चिंदू तुम्हारे हाथ मरोड़ दिया। इसने, इसको पता नहीं था कि मुझे इतना दर्द होता है, फिर जब उसको पता चला फिर इसने सॉरी फील किया, फिर मम्मा सॉरी प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, अब प्रयाश का घर बनाना है, बस प्रयाश का घर बन जाए, कोठी बनानी है, कोठी घर नहीं कोठी बनाना है, कोठी बनानी है उसने बड़ी वाली, कितनी बार, छोटी सी कोठी भी बहुत अपनी, इतनी भी छोटी नहीं है, छोटी सी कोठी बना लेंगे कोई नहीं, इतनी सी है ना, इतनी सी। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 करते हैं, गुड नाइट, बाय 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 और गुड नाइट, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल एंड बाय बाय।